વડોદરાથી એનડીઆરએફની ટીમો મહારાષ્ટ્ર જવા માટે રવાના થઈ છે. પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં જોડાશે. એનડીઆરએફની ચાર ટીમો કોલ્હાપુર મોકલવામાં આવી છે. પુણે, સાંગલી અને સતારામાં મોકલાય તેવી શક્યતા છે. મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદને પગલે પરિસ્થિતિ ખૂબ જ વિકટ બની ગઈ છે, ત્યારે વડોદરાથી એનડીઆરએફની ચાર ટીમોને કોલ્હાપુર મોકલવામાં આવી છે. આ ચાર ટીમોને પુણે, સાંગલી અને સતારામાં મોકલાય તેવી શક્યતાઓ છે. सतत जे रीते महाराष्ट्र में वरसाद वरसी रह्यो छे, तेना कारणे अनेक लोकोए जीव गुमावानो वारो आव्यो छे. वरसाद ने कारणे रायगढ़ना तलैये गाम में भूस्खलन की घटना में अत्यार सुधी में 52 लोग गुम थया छे, ज्यारे 32 मृतदेहो मळी आव्या छे. हाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवामां आव्युं छे. भारे पवन और वरसाद ने कारणे अनेक मकानो पण धराशायी थया हता. महाराष्ट्रना वरसादी आफतने कारणे रायगढ़ सहित अनेक विस्तारों में भूस्खलन थयुं हतुं. भूस्खलन ने कारणे घणा बधा लोको बेघर बनी गया छे. रायगढ़ में अत्यार सुधी में 44 लोकोना मौत थया होवाना अहेवाल छे. लोकोना मौत थता तेमना परिवारजनों आघात में मुकाई गया छे. एनडीआरएफ, इंडियन कोस्टगार्ड, नौकादल अने सेना द्वारा अत्यार सुधी में 8000 थी वधु लोकोनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं छे. गई इधर रात को 2 बजे पहुंचे ऊपर आने के लिए. जेंट्स लोग आके गए लेकिन कुछ समझा नहीं, कुछ दिखा नहीं, क्या करेंगे. हम बोले हम सुबह चलते हैं आपको लेके. देखे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं मेरा घर दिख रहा है, नहीं मेरे लोग दिख रहे, नहीं आजू बाजू के लोग दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा है. तो केरल में पण भारे वरसाद साथे राज्य में केटलीक जग्याए पूरनी स्थिति सर्जाई छे. तमाम नदी नाळाओ पाणीथी छलकाई गया छे. राज्यना इडुक्की जिल्लामां धोधमार वरसादने कारणे नदीओ वहेती थई हती. मळती माहिती अनुसार पहाड़ी विस्तारोमां वरसादनुं जोर वधी रह्युं छे. पाणीनो प्रवाह नदी पर रहेला कॉजवे सुधी पहोंची गयो. हाल वरसादने लईने जानहानीना कोई समाचार सामे नथी आव्या, ते राहतनी वात छे. उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में उपरवास में पड़ेला भारी